लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Hey guys, good morning, good afternoon. कैसे हैं? चीचा। और कहाँ है आपका भूल भुलैया? कहाँ है बल्लू सिंह? बल्लू 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 बल्लू। एक्टर है बल्लू सिंह। लेट आने द आज द कीरी इधर है। सॉरी सर, वो मैं जरा बाल कटवाने चला गया था। बाल कटवाने गया था? वो भी नौकरी के टाइम पे? आप सर, हो गए भी तो नौकरी के टाइम पे ही थे ना सर। सर माफ कर दो ना, गलती हो गई ना। तो गलती मुझसे हुई है यार, मैं तुझ जैसे बेवकूफ लेट लेती काम छोड़ना नौकरी पे रखिया। देखा सर, गलती आपसे हुई और अब नौकरी से मुझे निकाल रहे। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, समझे? ये कोई उम्र है सुधरने की? कुछ नया पकाता हूँ, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तो मना कर रहे। तेरे माँ बाप ने भी अच्छी एक्सपेरिमेंट की है। अच्छा, उसका रिजल्ट ये है। सर अभी आप पर्सनल हो रहे, मेरा इंसल्ट कर रहे। तो अभी तक क्या मैं तेरे को राष्ट्रपति सम्मान दे रहा था, पद्म भूषण दे रहा था? एक लास्ट चांस, ठीक है, लास्ट वार्निंग, ठीक है ना? अब कपड़े टाइम पे ले आना, ठीक है? कपड़े? वो लॉन्ड्री वाले यार, चेन क्या खींचता है? ट्रेन में खड़ा है तू? ट्रेन में खड़ा है? सर, मैं यहाँ पे कुक हूँ। ओ ठीक है, तो लेट तो आता है ना? सर, सर, स्वादी खान, नमस्ते इंडिया। हेलो, क्या मैं मिस्टर भावेश से बात कर सकती हूँ? ठीक है, हाँ जी, आप बोल रहा हूँ? मिस्टर भावेश, मैं Rediff.com से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ दिनों पहले आपने हमारे थ्रू ग्रैंड हयात में शेफ के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था। हाँ दिया था। कंग्रेचुलेशन मिस्टर भावेश, आपको नौकरी मिल गई। मिल गई? क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट कल से आप जॉब ज्वाइन भी कर सकते हैं। कल से? जी हाँ। ओके, मैं आ जाता हूँ। अरे कोई मेरे को बताएगा मैं बाजार किस लिए जा रहा हूँ यार? काली मेरी, क्या बोलता था तू? क्या बोलता था? मैं घटिया कुकू। 7-star होटल में नौकरी मिली है मुझे, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट पर, समझा क्या है? अपनी पहली सैलरी से एक मिर्ची का पैकेट खरीद कर तुझे लाके दे दूंगा। उसका क्या करना है तुझे पता है? क्या करना है? पिछवाड़े में लगाना। लात मारता है भावेश वर्मा तुझे और तेरे 2% की नौकरी को, समझा? हेलो, स्वादिका, नमस्ते इंडिया। हेलो, मिस्टर भावेश है? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। Manly.com से बोल रही हूँ। मैडम, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सुन, आप बोलिए मैडम, बोलिए। मिस्टर भावेश मकवाना, मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। मैडम, मकवाना नहीं, सिसोदिया वर्मा। हाँ जी, वर्मा जी। हाँ मैडम, भावेश वर्मा, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन। भावेश वर्मा? हाँ। आपका नाम भावेश मकवाना नहीं है? नहीं। देन आई एम सॉरी, ये नौकरी तो भावेश मकवाना को मिली है। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे मिस, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए, तुमको उसके राइटिंग का लेवल पता है तो तुम कुछ करती क्यों नहीं? कैसे कुछ करो, तुम्हें मालूम है राजन चैनल हेड की रिकमेंडेशन है, और ऊपर से अप्पा कहाँ जा रहा है? अप्पा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, तुम मेरे कैबिन में अकेले नहीं आ सकते। ओके, तो मैं अकेले कहूँ? मेरे साथ मेरे जज्बात है, लेट्स गो। क्या हुआ? फट गई। क्या? पराग, तुम भी ना अब आ जाएंगे। चलो, तुम शो के कॉस्ट्यूम्स अंदर है वो पहनो। सीमा, ओपन द डोर। अप्पा, आई से ओपन द डोर। किस किस का आदमी है, हमेशा गलत वक्त पे सही जगह पे टपक पड़ता है। वो रास्ता इधर ही होगा, जिधर इधर भी होगा, हम उसको ढूंढेगा और उसका सांबर बनाएगा। ताका दिल के ताका दिल।
रास्कल। हेलो, यस, मेरलो इंश्योरेंस कंपनी। नो, आई डोंट नीड लाइफ इंश्योरेंस, थैंक यू। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आओ आओ आओ। स्वीटी भाभी, ये है करिश्मा। ये करिश्मा। इनका वाइफ। इनकी इनकी वाइफ। और ये है करीना। इनकी वाइफ। जयस की वाइफ। हाँ। थोड़ी बड़ी नहीं है? वो क्या ना, हम दोनों की बचपन में शादी हो गई थी। मैं पैदा हो चुकी थी और ये पैदा ठीक से नहीं हुई थी, लेकिन शादी ठीक ठाक हो गई थी। अब ये ऐसे रह गए और मैं ऐसे हो गई। ओए स्वीटी, ये केड़ी कंपनी की टी बैग हैगी यार? ना इसका कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है, अजीब सी बू आती है। ये क्या कर रहे हो आप बल्लू जी? ये टी बैग नहीं है, मेरे बाबा की तावीज है। वो तावीज किधर रख देती तू यार? वो आप भी चलो इधर आइए, इनसे मिलिए। ये है बल्लू जी, मेरे हस्बैंड। कबड्डी खेल रही हो? जींदी रहो, जींदी रहो। बल्लू जी, और ये है करीना। जयेश के साथ इसकी वो न्यू वेल्डिंग हुई है। आजा आजा आजा। और ये है करिश्मा। ए, करिश्मा कहाँ गई? ओ कार्तिक आले की शर्मान दिया है। बल्लू जी, ये मेरी स्वीट हार्ट है। चेक आउट, चेक आउट। नाइस। सोनी लग दिया है। या इट्स अ सोनी। प्रिटी आ गया। हाँ, आपको इतनी अच्छी लगती है तो हम इसको आपके पास ही छोड़ देंगे। आप डिटेल में देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास। कुत्ते कुत्ते की कितने हमारे कमरे कितने कमरे कमरे तो उठे उठे उठे। चलो 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 चलो। छोटी, मैंने लगता है जो करिश्मा है ना, वो किसी की तरह लगती है। बल्लू जी, आपको ताबीज और टी बैग एक जैसी लगती है और बोलते हो करिश्मा किसी की तरह लगती है, मुझे आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं लगता है। पूरे पटाया में तुझे यही जगह मिली थी पेइंग गेस्ट बनने के लिए। अरे प्रॉब्लम क्या हुआ क्या यार? यार वो बल्लू सिंह वही बंदा है जिसके यहाँ मैं पहले काम करता था, लात मार के निकाला था उसने मुझे। क्या मैंने कहा था ना, हम लोग सब नरक में जाएंगे। चलो चलो यार, तू रुक क्या जयेश? और भविष्य तू सुन ना यार, अगर उस बल्लू को तुझे पहचानना होता तो अब तक पहचान लिया होता उसने। कुछ दिनों की बात है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एक नॉर्मल लड़के की लाइफ जीने में तुम्हें क्या मुश्किल होती है? अभी मैं तेरे से पूछेगा वो रास्कल पराग इधर आया तो तू बोलेगी नहीं आया, इसीलिए मैं पूछेगा नहीं, मैं पकड़ेगा उस रास्कल को, पकड़ेगा और धोएगा। हाँ, आज मैं उस रास्कल को छोड़ने वाला हूँ। बिलीव मी अप्पा, वो यहाँ नहीं है। रंब संतोषम। मैंने कहा था ना वो यहाँ पे नहीं है। अप्पा, आई एम योर ओन ब्लड।
अयो रास्कल प्लीज सीमा सीमा मुझे बचाओ ये गुंडा मेरी इज्जत को माय गॉड हु इज लेट अयो ऐसा नहीं जी मैं तो हां मैं तो कहीं की नहीं रही ओह माय गॉड आई डोंट लिव एनीवेयर चाकू निकाल के क्या-क्या देख लिया इस हवस के पुजारी ने प्लीज फोन करो मीडिया को फोन करो प्रेस को बुलाओ राखी सावंत को बुलाओ मैं एक्सपोज करूंगी मैं इसे एक्सपोज करूंगी करीना प्लीज स्टॉप इट ये मेरे अप्पा है हां अरे मैं इसका अप्पा मैं तेरा अप्पा मैं सारी दुनिया का अप्पा फादर फिगर अरे तू कैसा फादर है चाकू निकाल के फिगर देखता है वो कभी सच कही अरे आई एम सॉरी माय मिस्टेक अरे मिसअंडरस्टैंडिंग आई एम सॉरी यार अयो ये कौन जी अप्पा ये करीना है मेरी फ्रेंड स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आई थी अभी जा रही है पुलिस के पास गुड पुलिस अम्मा आई एम नॉट योर अम्मा ओके आई एम सॉरी पर पुलिस को मत बुलाओ क्यों नहीं बुलाऊं क्योंकि ये मेरा अप्पा है तो क्या होगा तुम्हारे अप्पा को मेरी इज्जत से लारा लप्पा करने का कोई अधिकार नहीं समझे मेरी इज्जत तुम्हारे अप्पा की इज्जत से बहुत ज्यादा कीमती है अरे दुनिया वालों ने तो चांद तक को नहीं छोड़ा तो एक अबला बेसहारा औरत को क्या छोड़ेगी दुनिया की उंगलियां उस पर उठती रहेंगी और औरत का दम घुटता रहेगा और मैं ये घुटन सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ नेवर नॉट एब्सोल्युटली नेवर बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं ये सो कॉल्ड इज्जतदार आदमी के चेहरे से शराफत का नकाब उतार के जमाने को दिखा दूं मिल गया मेरे को राइटर मिल गया जी अयो क्या डायलॉग बोलता क्या भाषा इस्तेमाल करता जी कमाल है जी चांद को उंगली करके बेसहारा औरत का इज्जत उतर गया वाह वाह आज तुम मेरा परमानेंट स्क्रिप्ट राइटर थी क्यों ना हम भी देखें थोड़ा मिटकर थोड़ा लुटकर क्या मजा है इस आशिकी में आपसे दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आपके इस दोस्त रोमियो को दीजिए इजाजत टेक केयर शब्बा खैर गुड नाइट स्वादी कट इट ओके आयो वेरी गुड वेरी गुड व्हाट अ स्क्रिप्ट माइंड ब्लोइंग आयो मिस करीना माय चॉइस ही माय राइटर वेरी गुड Fantastic. आपने मेरे अल्फाजों में जान डाल दी जहांगीर भाई इधर आया ना बैटरी चेंज करने की आया आया आयो रास्कल शायद आपको बोल रहे हैं आपके बाल ओ हया मैंने आज ही नया स्टाइल मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं रास्कल और तैयार हो गया हमारा चेंग स्पेशल पुडिंग लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है हम इसको माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे तैयार हो गया अपना चेंग स्पेशल पुडिंग लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है हम इसको पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है हम इसको माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे चाकू से डरा रहा है दीदी को डरा रहा है
ये हम लोग का पर्सनल मामला है। तंदूर